हाय गाइस, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो गाइस, मैं आज अजमेर शरीफ में हूँ और मैं यहाँ होटल किन्नर, हिजड़ा, चक्का जैसे नाम तो आपने ज़रूर सुने होंगे। कुछ लोग इनसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे किसी अन्य दुनिया से आए हो। इनकी दुआ तो हर कोई लेना चाहता है, पर सपोर्ट करना कोई नहीं चाहता। किन्नर भी एक भगवान की ही देन है। किन्नर वो होते हैं जो ना ही तो पूरी तरह से लड़का होते और ना ही पूरी तरह से लड़की होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे किन्नर के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में आई परेशानियों का मुकाबला करके इस मुकाम को हासिल किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे खुशी शेख के बारे में, जो कि इंडिया का फर्स्ट ट्रेंडिंग ट्रांसजेंडर भी हैं। तो दोस्तों, खुशी शेख के बारे में जानने से पहले, अगर आप भी खुशी शेख के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम बैठ के बात कर लेते हैं, मेरी बात तो सुनो। इतनी भी क्या बता, मेरी गलती क्या, मेरी गलती तो बताओ। इनका रियल नेम है खुशी शेख, निकनेम है खुशी। इनका जन्म 11 नवंबर 1994 को मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में हुआ था। खुशी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं। 2022 के हिसाब से इनकी एज है 28 साल। दोस्तों, बात करें इनके रिलीजन की, तो रिलीजन इनका है इस्लाम और नेशनलिटी है इनकी इंडियन। प्रोफेशन से ये एक्टर, मॉडल एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। दोस्तों, बात करें इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये 10th पास है, उसके बाद की पढ़ाई नहीं कर सके क्योंकि ये गरीब फैमिली से होने के कारण सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर थी, जिसके कारण आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। दोस्तों, बात करें बॉडी मेजरमेंट की, तो इनका वेट है 55 kg, हाइट है इनकी 5 feet 6 inches, हेयर कलर है इनका ब्राउन, आई कलर है इनका ब्राउन। अब बात कर दोस्तों फैंस फॉलोइंग की, तो इनके यूट्यूब चैनल शेख खुशी पर 2.33 million सब्सक्राइबर हैं, जिस पर 1800 वीडियो के लगभग अपलोडिंग। बात करें इनके इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट खुशी 1216 पर 1.3 million फॉलोअर्स हैं और 2836 पोस्ट हैं। दोस्तों, खुशी शेख के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको भी खुशी शेख की इस छोटी सी स्टोरी से मोटिवेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। मेरी एक सर्फ अलीज है, कल वियना आ रही है, तो मैं सोच रहा था उसे बाहर लेके जाए डिनर पे या घर पे बुलाए। सॉरी, मैं कहना भूल गया। कहना भूल गया।